आज नवरात्रि के छठे दिन हम सभी मां कात्यायनी की पूजा करते हैं और मां कात्यायनी अपने दोनों भुजाओं में कमल धारण किए हुए हैं। ये संयोग भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इनके सब के साथ सोने में सुहागा आज बाबा साहब आंबेडकर की जयंती भी है। ऐसे पावन समय में आज भाजपा ने विकसित भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है। मैं आप सभी को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं राजनाथ जी और उनकी पूरी टीम को भी इस उत्तम मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए उनका अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर में से लाखों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अप्रतिम विश्वास रखते हुए जो सुझाव भेजे, इस संकल्प पत्र को बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाई, इसके लिए भी देश के लाखों ऐसे सक्रिय नागरिक अभिनंदन के अधिकारी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। साथियों, पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है, 10 वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। भाजपा ने मैनिफेस्टो की शुचिता को फिर स्थापित किया है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ, युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ उस पर है, हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर है, हमारा फोकस निवेश से नौकरी, निवेश से नौकरी पर भी है। इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दोनों पर बहुत जोर दिया गया है। एक तरफ हमने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात की है, दूसरी तरफ हम स्टार्टअप और ग्लोबल सेंटर्स को बढ़ावा देकर हाई वैल्यू सर्विसेज पर भी ध्यान देने जा रहे हैं। भाजपा के संकल्प पत्र में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। साथियों, भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीब